तो भाई वो अर्ज किया है कि ब्रेकअप के बाद लोग सुनते हैं अरिजीत सिंह के गाने और इंडिया में है सब आईपीएल के दीवाने। जी हाँ भाइयों, आईपीएल सिर्फ एक लीग ही नहीं, इंडिया का त्योहार भी है। खासकर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के फैन तो चूहे और बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो आईपीएल 2021 हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स के नाम, लेकिन आईपीएल 2022 बहुत ही टफ होने वाला है क्योंकि इसमें दो नई टीमें जुड़ चुकी हैं, यानी कि आईपीएल 2022 से अब 10 टीमें कुल खेलेंगी। इसीलिए आईपीएल 2022 से पहले होने वाला है मेगा ऑक्शन। सभी टीमों को ये अलाउड किया गया था कि वो मैक्सिमम 4 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। सभी टीमों ने अपने 4-4 प्लेयर को रिटेन कर लिए हैं और जो नई टीम आई है लखनऊ और अहमदाबाद, इन दोनों टीमों को ये राइट दिया गया था कि ये बाकी बचे प्लेयर में से, यानी कि जो प्लेयर ऑक्शन में जाने वाले हैं, उन सब प्लेयर में से किसी 3 प्लेयर को ये ऑक्शन से पहले ही खरीद सकते हैं। तो इन दोनों टीमों का, अहमदाबाद और लखनऊ का, मैक्सिमम डेट है 22 जनवरी। 22 जनवरी से पहले इनको बताना पड़ेगा कि इन दोनों टीम ने किन 3 प्लेयर को खरीदा है ऑक्शन से पहले। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेगा ऑक्शन किस डेट को होगा, यानी कि मेगा ऑक्शन जो होने वाला है आईपीएल 2022 के लिए वो कब होने वाला है। तो आपको बता दूं कि मेगा ऑक्शन जब भी होता है वो 2 दिन में होता है, 1 दिन में मेगा ऑक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मेगा ऑक्शन जो इस बार होगा वो फरवरी में होगा, वो 2 दिन कुल होगा। तो मेगा ऑक्शन का एक्चुअल डेट है 12 फरवरी और 13 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे से 1-2 दिन पहले। तो इस बार का आईपीएल ऑक्शन देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत बहुत बड़े नाम है इस बार के आईपीएल ऑक्शन में। और दोस्तों, हाल में ही कुछ सोर्स ये भी बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के नए कैप्टन हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या अभी टीम से फिलहाल बाहर है उनके हेल्थ इशू के कारण, अभी वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, फिट हो रहे हैं। तो कुछ सोर्स ये भी बता रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के नए कैप्टन हो सकते हैं और केएल राहुल लखनऊ के कैप्टन हो सकते हैं। और दोस्तों, ये तो मैं आपको 100% कंफर्म बोल सकता हूँ कि केएल राहुल तो मेगा ऑक्शन में नहीं ही जाने वाले हैं क्योंकि जिस टाइप के वो प्लेयर हैं, अभी जितने भी प्लेयर हैं मेगा ऑक्शन में उनमें से सबसे बेस्ट प्लेयर हैं अभी केएल राहुल। तो मुझे लगता है अहमदाबाद या फिर लखनऊ, इन दोनों में से कोई एक टीम तो उनको खरीद ही लेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों दिल से रिक्वेस्ट है, वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको एक बार बस प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने में क्या जाता है भाई आप लोग का, प्रेस करके हम लोग को सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।